तो हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है जियो भारत B1 एक 4G कीपैड फोन। तो इसके में आज हम जियो पे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेगी। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा जियो का सिम, चलिए इसको लगाते हैं फ़ोन के अंदर में। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ पे हम जियो का सिम लगा चुके हैं, यहाँ पे जियो 4G लिखा हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे टावर भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जियो पे किस तरह से काम करता है और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जियो पे आ जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट करेंगे फास्ट, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेफ और यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे करेंगे तो यहाँ पे नीड टू सेंड SMS टू वेरीफाई योर नंबर। ठीक है, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे और आगे वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसके कैमरे से QR कोड स्कैन होकर के पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। वेरीफाई, और यहाँ पे हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट, जो बैंक से आपका बैंक यहाँ पे सेलेक्ट है वो सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम PNB लिख के सर्च किए हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं। नोट बैंक फाउंड, यहाँ पे हमें पूरा सर्च करना पड़ेगा। तो हमने पूरा यहाँ पे लिख लिया है पंजाब नेशनल बैंक, अब देखते हैं सर्च करके कि ये आता है कि नहीं। तो यहाँ पे यह हो चुका है सर्चिंग और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक, इसको सेलेक्ट करेंगे। फ्रेचिंग योर बैंक डिटेल, लिंक योर मोबाइल नंबर। ठीक है, सेट पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेलेक्ट करेंगे और हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, चेक बैलेंस, हिस्ट्री, सेटिंग, FAQs। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस चेक करते हैं कि इसमें बैलेंस बताता है या नहीं। तो यहाँ पे पिन डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम पिन डालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे चेकिंग बैलेंस दिखा रहा है, देखते हैं ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और अकाउंट बैलेंस ये 149 रुपीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से ठीक है बैक कर लेते हैं, उसके बाद हम सेंड करके देखेंगे कि यहाँ पे मनी सेंड होता है या नहीं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया जाता है सेंड मनी के लिए, टू UPI नंबर, टू बैंक अकाउंट, टू UPI ID। ठीक है, तो यहाँ पे UPI नंबर से हम पेमेंट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम UPI नंबर डाल लेते हैं सबसे पहले, वेरीफाइंग UPI नंबर, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, जो यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। आगे हम 1 रुपया सेट करके देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे सच में पेमेंट होता है या नहीं। तो यहाँ पे करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, आगे यहाँ पे हम पिन डालेंगे और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वेट करेंगे और यहाँ पे हमारा अमाउंट सेंड हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसमें जियो भारत में जियो पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है।